अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तांडी सुबह कुकिंग शो में सब खैरियत से हूँ। मज़ेदार रेसिपीज तांजे ला खड़ी इंदा हूँ। शारजा कुकिंग ऑयल से विटामिन ए डी ई का भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूद है। बनस्पति घी तमाम बेहतरीन पैकिंग में दस्तियाब है। 1 लीटर 3 लीटर 5 लीटर में बॉटल्स अवेलेबल है। उन एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर एंड मिक्सर तमूँ यूज़ कर मार्केट में अवेलेबल वो किचन में ये शूँ जरूर हुजन खपन ताकि कुकिंग ईजी ए जल्दी कर सो। अजोकी रेसिपी तमाम सुठी ठाई पे सियारे के सॉरी गर्मी के हिसाब से काफ़ी सारा खादा तक ठाण सिखारणा हाँ गर्मियों भी अच्छा पे डिफरेंट किस्म की भाजी जहाँ सीजन भी अच्छा पे अंबड़ी जो भी सीजन अचे पो तो उनकी भी कुछ रेसिपी ठाईंदी। तो अज भी मज़ेदार रायतो ठाऊँ पा वांगणन जो रायतो है दही वा बैंगन इनके चाहबो है ठीक है। उनसा गड असाईंदी बंद गोभी फ्राई मसाला। बंद गोभी फ्राई मसाला इनमें अंबड़ी जो टेस्ट हों ढी जबरदस्त बी रेसिपी सुबाने 9 बजे रिपीट हल्दी हाँ 12 वगे जो टाइम चेंज थी वो पैं 12 वगे रिपीट हलो हाँ 9 बजे सुबह जो रिपीट हलो कुकिंग विश ऑफिस मुझे पेज है उत रेसिपी अपलोड थी। वीडियो ऐसा ला सर्च कर सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब से सब्सक्राइब कर शेयर कर स्क्रीन पर नंबर ले पो का भी फरमाइश करनी हुए कॉल कर सोता। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल के साथ विटामिन ए डी और ई से भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल है ओमेगा 3 मौजूद है। बनस्पति की नई पैकिंग में दस्तियाब है। 1 लीटर 3 लीटर 5 लीटर में बॉटल्स अवेलेबल हैं। एनएक्स हमारे साथ है। एनएक्स में जूसर ब्लेंडर चॉपर हैंड बीटर एंड मिक्सर सब चीज़ें आपके सामने यूज़ करता हूँ। मार्केट में ईजिली मिल जाती हैं। आप लें माइक्रोवेव ओवन भी आप ले सकती हैं और उसके अलावा बेकिंग ओवन भी एनएक्स का बेस्ट है आप लें उसमें बेकिंग कर सकते हैं। आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं गर्मियों के हिसाब से खाने स्टार्ट किए हैं। कुछ वेजिटेबल्स की काफ़ी सारी रेसिपीज़ हैं मैं चाह रहा हूँ कि अब वो बनाएं। रमज़ान में हमने चटपटे खाने बनाए थे चिकन और बिरयानी वगैरह डिफरेंट चीज़ें बनाई थी जो फरमाइशें थी। तो आज हम बना रहे हैं दही वाले बैंगन। दही वाले बैंगन ही बनेंगे 3 लेयर्स में होंगे। एक मसाले की लेयर होगी, एक भगार वाली दही की लेयर होगी, एक बैंगन फ्राई करके इसकी लेयर होगी। और गर्मियों में ये ज़बरदस्त रेसिपी है आप बनाएं इन्जॉय करेंगे। और साथ ही हम बना रहे हैं बंद गोभी फ्राई। बंद गोभी फ्राई इसको हम बनाएंगे केरी के साथ। केरी का सीज़न है और केरी की बहुत सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे बनाते रहेंगे। कल 12 बजे के बजाय अब 9 बजे रिपीट टाइम हो गया तो अब सुबह 9 बजे रिपीट चला करेगा ठीक है। स्क्रीन पर नंबर चला कोई भी फरमाइश करनी हो कॉल कर सकते हैं। किचन की तरफ चलते हैं रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सभी का पहले ऐसा बंद गोभी स्टार्ट करना सी ठीक है। सबसे पहले हम बंद गोभी की रेसिपी स्टार्ट करेंगे। बंद गोभी हमने कितनी लेनी है 3 कप जितनी यानी आधा किलो का एक फूल ले लें या 1.5 पाव का एक फूल ले लें ठीक है। बंद गोभी हमने लेनी है 3 कप जितनी या 4 कप जितनी अंदाजे से एक फूल बंद गोभी का आप लेंगे तो वो 1.5 पाव से आधा किलो का होगा। और इसको हमने बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ इस तरह बारीक जैसे ऑमलेट के लिए कटिंग करते हैं इस तरह आपने बंद गोभी को कटिंग करना है ठीक है। बंद गोभी खाई बंद गोभी फूल खड़ी उनके तकरीबन 1.5 पाव का अध किलो जितनी हुजन खपे ठीक है। एक फूल खड़ी वो इनके बारीक कटिंग कर वो बारीक कटिंग कौ पैं धोई छो वो बारीक कटिंग करे प्याले में भी छोड़ो हाँ इनमें शूँ विझण शुरू कंदी वो नोट कंदा वो ठीक है। अब मैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाने लगा वो आपने नोट करते जाना है। मज़े की और डिफरेंट रेसिपी बहुत से लोग बंद गोभी नहीं खाते लेकिन इस तरह आप बनाएं आपको अच्छी लगेगी बंद गोभी फ्राई। लेकिन इसमें हम डाल रहे हैं केरी। केरी से इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसमें दही का इस्तेमाल नहीं है इसमें टमाटर का इस्तेमाल नहीं है ठीक है। इनमें ना दही जो इस्तेमाल है ना टमाटर जो इस्तेमाल है। इनमें विझंदी ऑमलेट वांगर ही कटिंग थियल बसर 1 गंड। ऑमलेट मतलब जो असा बेदे में बसर कटिंग कर विझा ना ऑमलेट ठाने उनके चाहता ऑमलेट कटिंग ठीक है। बेदे में जी विझा ऑमलेट कटिंग किया हुआ 1 अदद प्याज चला गया। 1 कप हम इसमें डालेंगे केरी कद्दूकश कीवी ठीक है। 1 बड़ी केरी ले लें या 2 छोटी केरी हैं छिलका हटा के आपने कद्दूकश जैसे हम हलवे के लिए गाजरों को कद्दूकश करते हैं उस तरह कर लें या कूट लें इसको ठीक है। कद्दूकश कहला है जी गजरन के कद्दूकश कना है उन तरीके से 1 अंबड़ी खाई वडी 1 कप जितनी हुजन खपे ठीक है। या ब नंढी हुजन तो उनके कद्दूकश करे वठंदो खल हुनजी हटाई ठीक है। छिलका हटा के हमने इसको कद्दूकश कर दिया। अब हम इसमें क्या डालेंगे इसमें हम डालेंगे 2 अदद हरी मिर्चें चॉप करके फाइन चॉप करके 2 अदद हरी मिर्च डालेंगे। सब चीज़ें एक साथ डाल के फिर हमने इसका भगार बना के उसमें इसको फ्राई करना है। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनेगी। बहुत से लोग नहीं खाते बंद गोभी तो इस तरह आप बनाएं तो बहुत मज़े की बनेगी। 2 अदद हरी मिर्चें चली गई ठीक है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया 1/2 कप जितना चॉप किया हुआ यानी 4 खाने के चम्मच जितना हरा धनिया बारीक कटिंग करके
ठीक है, 4 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटिंग करके डाल दिया, केरी डाली 1 कप, प्याज 1 अदद ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ, केरी 1 कप, कद्दूकस की हुई, बंद गोभी 3 से 4 कप जितनी होनी चाहिए बारीक चॉप की हुई, ठीक है, 2 अदद हरी मिर्चें और 4 खाने के चम्मच हरा धनिया, ठीक है। वरी बुधाएँ पर मैं छाछा विधो, बंद गोभी 3 खां 4 कप यानी 1.5 पाव जितो फूल बारीक कटिंग थियल, इनमें 1 गंढ बसर जी ऑमलेट वगर चॉप थियल विधि, 2 सावा मिर्च विधा बारीक कटिंग करें, 4 खंड जा चमचा भरे विझंदासीं सावा धाणा कटिंग करें, अंबड़ी कद्दूकस करें 1 अदद विधि है, ठीक है, 1 कप जितनी हुजण खपे। हाणे असां इनमें छा विझंदासीं, बेसण। अब हम इसमें क्या डालेंगे, बेसन ये कितना, 2.5 टेबल स्पून, 1, 2 और ये आधा, 2.5 खाने के चम्मच बेसन, बेसन डाल दिया, ठीक है, बेसन केतरो विझंदासीं, 2.5 कप, 2.5 चमचा खाइण वारा, 1, 2 और 1/2, ठीक है। हिन्ने का पोछा विझंदासीं, हिन में मसाला, अब हम इसमें मसाले क्या डालेंगे, धनिया पाउडर भर के डालेंगे 1 चाय का चम्मच, पीठल दाणा 1 चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, हेड 1 चाय जो चमचो, पीठल गाढ़ा मिर्च 1 चाय जो चमचो, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और नमक 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, पीसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय के चम्मच से कम, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, ठीक है। इनके चंगी तरह मिक्स करनासी, बल्कि हाथ से करे था उठूँ, और बेसन इसमें डाला है 2.5 खाने के चम्मच, 2.5 खंड जा चमचा बेसन, 1 चाय जो चमचो पीठल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चमचो कुटियल गाढ़ा मिर्च, 1 चाय जो चमचो हेड, 1 चाय जो चमचे का घट लूण, 1 चाय जो चमचो पीठल धाणा, बेसन 2.5 खंड जा चमचा, सब मिक्स कर दिया, ठीक है। बंद गोभी में मसाले सारे मिक्स कर दिए, अब यह कंप्लीट हो गया एक प्रोसेस हमारा। अब क्या करेंगे, हम भगार बनाएंगे, जिसमें फिर हमने ये मिक्स की हुई मसालों के साथ गोभी जो रखी है ये हम डालेंगे, उसको भूनेंगे 2-3 मिनट और फिर उसका हमने उसको हमने दम पे रख देना है 15 मिनट। बहुत ही मज़ेदार ये गोभी की सब्ज़ी बनेगी, ठीक है। इन जो थोड़ो ही मथे करी छो, एसी जी हवा इतने डायरेक्ट कर चुके चूल्हे पे, ठीक है। अब पतीला लेते हैं जिसमें हमने गोभी बनानी है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कम मुश्किल ना है, आराम से तां ठाई सको था, मज़ेदार ठंडी। अब हमने लेना 1/2 कप यानी 8 खाने के चम्मच शारजा कुकिंग ऑयल, ठीक है, 1 लीटर की बॉटल में ये अवेलेबल है, 1/2 कप 8 खाने के चम्मच, अंदाजे से जैसे हम घर में यूज़ करते हैं ना ऑयल, उस तरह आपने लेना है, ठीक है। शारजा कुकिंग ऑयल खाओ केतरो, असा इतने खणंदी शारजा कुकिंग ऑयल 8 खंड जा चमचा। शारजा कुकिंग ऑयल जैसे ही गर्म होगा, इसमें हमने एक भगार बनाना है, ठीक है। भगार हम किसका बनाएंगे, हरी मिर्चें चॉप करके, 2 अदद हरी मिर्चें मोटी हैं, अच्छा तेज़ हों तो फिर आपने कम कर देनी हरी मिर्चों की क्वांटिटी, ये मोटी वाली हरी मिर्चें, तो ये इसका भगार बनेगा। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्चें ले ली, ठीक है। जैसे ऑयल गर्म होगा, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे लहसुन चॉप किया हुआ या कुटा हुआ लहसुन, कितना, 1 खाने का चम्मच, 1 टेबल स्पून थूम, 2 अदद हरी मिर्चें, ठीक है। लहसुन खाने का 1 चम्मच, कुटी हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें इसमें 2 अदद चली गई। अब इसमें क्या डालेंगे, मेथी दाना, मेथी दाना हम डालेंगे इसमें 1/2 चाय का चम्मच, भगार बहुत अच्छा बनता है मेथी दाने का, ठीक है। ज़ीरा 1 चाय का चम्मच भर के, और उसके साथ हम डालेंगे इसमें कड़ी पत्ते, कड़ी पत्ता ऑप्शनल है, अगर मिलता है मार्केट में अवेलेबल है आप ले लें, नहीं है तो इसके बगैर भी बन जाएगा, लेकिन कड़ी पत्ते से भगार बहुत अच्छा आता है, तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाल दिया है, 10 से 15 पत्तियाँ, ठीक है। कड़ी पत्तो मार्केट में मिले तो वठी वठो, न है तो उनके बगैर भी ठही वो, 15 खां 20 दाणा कड़ी पत्ते जो हमें विझी छंदी, ठीक है। ऑयल गर्म कर 8 खंड जा चमचा, उनमें असा विधो सावा मिर्च 2 अदद बारीक कटिंग करे, थूम इनमें विझंदी कुटे या बारीक कटिंग करे 1 खंड जो चमचो, मेथी दाणो 1/2 चाय जो चमचो, अछो जीरो 1 चाय जो चमचो, कड़ी पत्ता 15 अदद, ठीक है। भगार बनेगा, भगार जब अच्छा सा बनने लगेगा, खुशबू आएगी, तो ये बंद गोभी जो हमने मिक्स करके रखी हुई मसालों में, ये हम इसमें ऐड करेंगे, 2 मिनट इसको भूनेंगे, ठीक है। पानी नहीं जाएगा, दम पे लगा देंगे इसको,
और हल्की आंच पे आपने 15 मिनट तक दम पे रखना है इसको, ठीक है। हल्का सा भगार, बहुत जलाना नहीं भगार को, बस खुशबू आने दें। लहसुन, हरी मिर्चों की, भगार की, ज़ीरा, कड़ी पत्ता, सबकी खुशबू आ जाए तो उसके बाद आपने बंद गोभी इसके अंदर ऐड कर देनी, ठीक है। हाँ जो दाग ठही हुई है बंद गोभी असाइजे अंदर ऐड कर चला से पूरी मसाले के साथ मिक्स किया। अच्छा, बेसन से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैंने 2.5 खाने के चम्मच इसमें जो बेसन डाला है उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा आपको, ठीक है। चूल्हा हल्का रखें, इसको भगार में मिक्स करें अच्छी तरह। बंद गोभी के चंगी तरह मिक्स कर दो। दो तीन मिनट आपने इस तरह मिक्स करना है, फिर इसके बाद इसको दम पे लगा देंगे 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ठीक है। और फिर रेसिपी दोबारा एक दफ़ा रिपीट कराऊंगा बाद में, ताकि आप लोग से कोई चीज़ मिस ना हो। हल्की आंच पे करना है प्रोसेस, बेसन जलना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए पैन में, ठीक है। और ये बंद गोभी अपना ही पानी छोड़ेगी, मसालों के साथ डाली हुई है तो फिर वो खुद ही पानी छोड़ेगी, उसी पानी में ये तैयार हो जाएगी रेसिपी, ठीक है। अभी पानी छोड़ने लगी है गोभी, अब हम इसको दम पे लगा देंगे, ठीक है। बस 10 मिनट का पॉइंट के दम पे लगाई छो, इसे जो लाई छा से मसालो ढी मज़ेदार है, इनके मानी से गुज चावर से गुज जी तक सुठी लगे तक खाई सको, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। फिर हम सेकंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं, हल्की आंच कर देंगे, उसके बाद इसको शिफ्ट करके इसको कवर कर देते हैं हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए, ठीक है। 15 मिनट के बाद भून के और इसको निकाल देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, जैसे दम पे राइस हम रखते हैं उस तरह, ठीक है। ये हमारा एक प्रोसेस हो गया एक रेसिपी का। अब सेकंड रेसिपी क्या है, दही वाले बैंगन। दही वाले बैंगन मज़ेदार रेसिपी, लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था ये गर्मियों में, तो इस दफ़ा दोबारा बना रहा हूँ ताकि बहुत से न्यू व्यूअर्स हैं तो वो भी देखें और इन्जॉय करें इस रेसिपी को, और ये गर्मियों की स्पेशल रेसिपीज़ हैं, ठीक है। दही वाले बैंगन के लिए हमने क्या लेना है, बैंगन गोल ले लें, ठीक है। यहाँ पे फ्राइंग पैन ले लें, इसको ड्राई कर लेते हैं। हाणे छकंदासीं वांगण खणंदासीं, ठीक है। दही वारा वांगण ठाहियूं पिया, बैंगन गोल ले लें दरमियाने साइज़ के, इसको आपने स्लाइसिस में कटिंग करना है। ये एक ख़राब निकल आया इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये इसमें रिस्क होता है बैंगन में ना, कभी कभी ख़राब भी निकल आते हैं। देखिए इस तरह काटते जाएं, एक एक बैंगन काटते जाएंगे, उसको फ्राई करते जाएंगे। एक साथ रखेंगे तो पानी में रखें, क्योंकि फिर बैंगन काला पड़ जाता है, ठीक है। पानी में थोड़ा सा नमक डाल के डिप करके रखें तो उससे काला नहीं पड़ता। ये हो गया, यहाँ पे ऑयल गरम करते हैं थोड़ा सा, 6 से 8 खाने के चम्मच शारजा कुकिंग ऑयल, ठीक है। ऑयल गरम थी और वांगण इनमें विझंदा वेंदासीं, फ्राई कंदा वेंदासीं। ब्रेक में केतरो टाइम आ समझे, ठीक है। इस तरह स्लाइसेस आपने रखते जाना है और इनको दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन फ्राई करके निकाल देना है, ठीक है। ये फिर हम दही वाला जो मसाला बनाएंगे उसमें ये बैंगन ऐड होगा। बहुत बारीक भी ना हो और बहुत मोटे स्लाइस भी ना हो, नॉर्मल स्लाइस आपने कटिंग करने है, ठीक है। और अगर इस तरह कोई थोड़ा सा पीस आ रहा है तो उसको आप कट कर सकते हैं, पूरा बैंगन ज़ाया ना करें, ठीक है। इन तरीके से को पीस अच्छी बने तो उनके तहाँ कट करें कटी से होता, ठीक है। ये फ्राई होना शुरू हो रहे हैं, फिर एक साइड से इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो दूसरी तरफ हम पलट देंगे, ठीक है। इसी तरह सारे बैंगन हमने फ्राई करके निकाल लेंगे, ठीक है। दही वाला बैंगन ठन पिया, वांगन दही वाला मज़ेदार रेसिपी है। सियारे के हिसाब से रायते स्टाइल में है, फिर मज़ेदार ठंडी, इनमें दाग भी ठहन दो, इनमें एकड़ो मसालो भी ठहन दो, त ही डिफरेंट रेसिपी है। हूँ तो असा इनके डायरेक्ट रायते में भी डिप कर छा, लेकिन इनके मैं मसाले से गुड ठाईस बाद में, ठीक है। जो ग्रेवी ठंडी वो लेयर ठंडी ठी मज़ेदार डिफरेंट रेसिपी, ठीक है। अब ये फ्राई होते जाएंगे बैंगन और हम इसे पलटते जाएंगे, पलट पलट के इसको दोनों साइड से गोल्डन करके, और फिर इसको हमने कर दे निकालते जाना है, ठीक है। अभी मैंने 2 बैंगन निकाले हैं, बाकी भी पड़े हुए, फिर इसके साथ कंटिन्यू इसको फ्राई करते जाएंगे। अच्छी तरह कलर आने दें,
क्योंकि बैंगन का कुकिंग टाइम कम होता है, जल्दी ये गल जाता है। ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगता कि हम आधा आधा घंटा इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही फ्राई हो जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे और कच्चे नहीं रहते। अभी टाइम डाउन हो बैंगन के। ठीक है, सारे मैंने पलट दिए, अब एक साइड से हो जाएंगे, फिर दोबारा इसको पलटेंगे ताकि ये चारों दोनों साइड से गोल्डन फ्राई हो जाए। ठीक है, गोभी हमारी पक रही है और इसमें अपना ही पानी गोभी ने छोड़ना है। ठीक है, उसी में ये गल जाएगी। इसमें अगर आपको दिल करता है तो आप पानी का छींटा दे सकते हैं, 3 से 4 टेबल स्पून पानी का छींटा दे के ऊपर से वो आप दम पे रख सकते हैं, अदरवाइज बिल्कुल हल्की आंच पे रख दें। शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, जब तक मैं बैंगन फ्राई करके निकालूंगा, हम ब्रेक से वापस आएंगे, फिर रेसिपी कंटिन्यू करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक ते था बैंगन फ्राई थे पे बैंगन फ्राई थे ब्रेक का पहुँची रेसिपी के कंटिन्यू करना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक थी वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको वांगण फ्राई कया पिया, हाणे ॿिया बि मां हिन में कटिंग कंदो वेंदुसि। ओॾी महिल ई वॉश करे रखी छॾिया हुआ, ओॾी महिल ई कटिंग कंदा वञो, हिनखे फ्राई कंदा वञो। ठीकु आहे, वरना कारा थी वेंदा आहिनि रखण सां। बैंगन हम फ्राई कर रहे हैं शारजा कुकिंग ऑयल में, और फ़ौरन काटते जाएँ, पहले वॉश करके रख लें, साथ साथ काटते जाएँ, फ्राई करते जाएँ, या अगर आपने काट के रखने तो फिर नमक हल्का सा डाल के पानी में फिर आप इसको डिप करके रखें, उससे क्या होता है कि बैंगन काला नहीं पड़ता। ठीक है, अभी फ्राई होना शुरू हो गया है, आधे मैंने निकाल दिए हैं जो पहले फ्राई किए थे और बाकी अब हो रहा है। गोल बैंगन लें, छोटे साइज़ के, बहुत बड़े ना हो, क्योंकि ये जिस तरह की रेसिपी इसमें मीडियम साइज़ के बैंगन सही रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े स्लाइसेस होते हैं फिर वो टूटना शुरू हो जाते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्राई ऐं कुझु मां हिते फ्राई करे कढिया आहिनि, ॾिसी सघो था गोल्डन कलर अचणु खपे सुठो, जीअं फ्राई थियल वांगण हुजणु खपनि। ठीकु आहे, बसि इसको पलट जो पहले डाले थे पीसिस उनको फिर पलटना शुरू कर देंगे। फौरन फौरन ये फ्राई होना शुरू हो जाते हैं। और जो हमारी सेकेंड रेसिपी तैयार हो रही है, गोभी फ्राई, बंद गोभी फ्राई, वो कवर किया हुआ है और हल्की आंच पे छोड़ी हुई है। ठीक है, हल्की आंच पे 15 मिनट 18 मिनट तक आपने छोड़ देना, वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद भून के हम उसे निकाल देंगे, चंगी तरह इनके फ्राई करनासीं। वधीक हिकु ॿिए मथां न रखिजो ताकि फ्राई करण में आसानी थिए। ठीकु आहे, इसी ऑयल में फिर हम मसाला बनाते हैं, क्योंकि बार बार अलग अलग पैन यूज़ नहीं करें। अच्छा, दही का मिक्सचर लेंगे, दही लेंगे, दही को बीट करेंगे, फिर उसका भी एक भगार बनेगा, वो डिफरेंट बनेगा। ठीक है, पहले मसाला बनाएंगे, फिर लास्ट में भगार बनाएंगे, फिर इसकी लेयर देंगे 3 हिस्सों में। कल भी मज़ेदार रेसिपी बनेगी इसी तरह, गर्मियों के हिसाब से कुछ रेसिपीज़ हैं इस वीक में कम्प्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक से कुछ चाइनीज़ की रेसिपीज़ हैं तो वो भी आ रही थी फरमाइश, वो भी पूरी कर देंगे। जी ओके ओके, उमरकोट का कॉल वठूं था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। छा हाल तव्हां जा? टीवी जो वॉल्यूम बंदि करे छॾियो, लाइन ड्रॉप थी वेंदी न त। ठीकु है, तव्हां ॿुधायो। मां ठीकु आहियां, टीवी जो वॉल्यूम प्लीज़ बंदि करे छॾियो। जी जी, करे छॾियो। छा हाल तव्हां जा, ठीकु आहियो? जी असां ठीकु आहियूं, तव्हां ॿुधायो। ईद कीअं गुज़री? अच्छा, को फरमाइश करनी है, कुछ पूछनो है? हां, पूछनी है। जी, कहां से रेसिपी पूछनी है? जी बिल्कुल पूछो। मुझे बिरयानी की रेसिपी पूछनी है। बेटा बिरयानी तो मां ईद का पेरी ठाई चुको है, 4 किस्म जो वो ताने पेज ता रिसीव कर जो। ठीक है, पर एक दस्तरी तो कैसे खायो? एॾी जल्दी न ठाही सघंदासीं, थोरो इंतज़ारु करिणो पवंदो तव्हांखे। ठीकु आहे, ओके, अलाह हाफ़िज़। बिरयानियूं 4 क़िस्म जूं ठाहियूं आहिनि ऐं उहे असांजे पेज ते मौजूदु आहिनि, सिंध टीवी HD कुकिंग शो यूट्यूब ते ॾिसी वठिजो वीडियो सां गॾु, ऐं अगरि रिटर्न में ॾिसणु चाहियो था त पोइ मुंहिंजो पेज आहे कुकिंग विथ फैसल, कुकिंग विथ शेफ फैसल फेसबुक ते, हुते रिटर्न में तव्हांखे विथ पिक्चर फोल्डर में मिली वेंदी। ठीकु आहे, ॿई तरीक़ा आहिनि तव्हांजी आसानी जे लाइ, तव्हांखे जेको ईज़ी लॻे तव्हां हुते ॾिसी सघो था।
ये देखिए ये भी हो गए फ्राई, बस अब इसको भी निकाल देंगे जो बाकी बैंगन फ्राई किए थे। बहुत इजी है, बैंगन फ़ौरन फ्राई हो जाते हैं। ये 20 से 25 मिनट में पकने वाली रेसिपी है। ठीक है, चूल्हा बंद कर दिया। अब इन बैंगनों को दोनों साइड से आपने देखना है कलर एक जैसा होना चाहिए, ये ना कि एक तरफ से कच्चा है तो एक तरफ से पका हुआ। आराम से इसको निकालें, ऑयल थोड़ा सा ऐसे पकड़ें ताकि इसका ऑयल भी निकल जाए। ठीक है जी, आलू जो कतला फ्राई करना है उन तरीके से हम इनके फ्राई करवा। अब इसी ऑयल में हम मसाला बनाएंगे इसका। ठीक है, ये बन तो दही वाले बैंगन रहे, रायता जैसे बनता है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, वांगण फ्राई कर छा हाने इन्हीं ऑयल में कंदी, इन्हीं ऑयल में छासी बसर। बसर एक गंड ऑमलेट वांगर कटिंग थियल, ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ एक अदद प्याज। ठीक है, ये मसाला बनेगा इसका। एक मीडियम साइज का प्याज लिया, फाइन चॉप किया हुआ हो, बिल्कुल बारीक कटिंग करके चॉप करेंगे। ठीक है, और इसको आपने करना है फ्राई। प्याज को गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, लाइट सा कलर देना है। ठीक है, नरम करना है, फिर हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। बसर के वधिक गाढ़ो ना करो, हल्को कलर देना है। ठीक है, जदिन जो हल्को कलर नरम थी वो सॉफ्ट थी वो इनके अंदर अस बाकी शूँ विझण शुरू कदासी। ठीक है, मसाला इनमें विंदा इन जो दाग ठो तमाम बेहतरीन किस्म जो बसर जो। अब हम इसको नरम करेंगे प्याज को, अच्छी तरह नरम हो जाए। साथ ही एक अदद हरा मिर्च भी डालेंगे कटिंग करके। ठीक है, एक अदद साओ मिर्च कटिंग करे विझंदी उन दाग में जायको अची वो। ठीक है, एक अदद हरा मिर्च भी साथ ही डाल दें, इससे क्या होगा भगार में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। बस एक मिर्च डालना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि साबित लाल मिर्च हम इसके भगार में भी डालेंगे जो ऊपर से दूसरा भगार बनेगा। ठीक है, ये अभी हम बना रहे हैं मसाला। प्याज आप देखेंगे गोल्डन कलर होने लगा है। चंगी तरह से फ्राई करना से। ठीक है, अब देखें इसका कलर चेंज होने लगा। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, उससे पहले थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जो मसाले हम ऑयल में डाल रहे हैं वो जले ना। ठीक है, जेका मसाला सा ऑयल में विझूँ पाया वो सड़न ना हिन करे इनमें थोड़ो पानी जो छंडो डिबो। जैसे बसर तुम दिसंदो हल्को सो गुलाबी थियण शुरू थी वो। अब इसमें 4 से 5 खाने के चम्मच पानी डाला, इससे प्याज नरम हो जाएगा। अब इसमें मसाले डालना शुरू करते हैं। ठीक है, मसाले क्या कहे जाएंगे, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय के चम्मच से कम नमक हसबे ज़रूरत। ठीक है, और गरम मसाला पाउडर आधा चाय के चम्मच से थोड़ा कम। छाछा भी तो है, पीठल गाढ़ा मिर्च अधा चाय जो चमचो, कुटियल गाढ़ा मिर्च अध चाय जो चमचो, हेड अध चाय जो चमचो, लूण अध चाय जो चमचे का घट, पीठल दाणा अध 1 चाय जो चमचो, गरम मसालो पाउडर अध चाय जो चमचे का घट। ठीक है, ये मसालो ठो ग्रेवी टाइप जो, ये ग्रेवी की तरह मसाला बनेगा। पिसी लाल मिर्च, कुटी लाल मिर्च, नमक 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, और उसके साथ धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच। ठीक है, ये मसाला बनेगा। थोड़ा इसको भूनेंगे, मसाले का कच्चापन ऑयल में ख़त्म करना है। इसको भी चेक करते हैं, इसमें अच्छा खासा पानी निकल आया गोभी का और ये अभी पक रही है। अच्छी तरह मसाले को भूनें, फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी ग्रेवी बनाने के लिए। ठीक है, पहले इसको अच्छी तरह भूनेंगे मसाले को, चंगी तरह भुनन दो। जैसे ऑयल मथे अची वो पहली बार जो 4 खाने का चमचा पानी विधो उनको ऑयल मथे अची वो। ठीक है, 4 टेबल स्पून जो पानी डाला था उसका ऑयल ऊपर आ गया, वो पानी ड्राई हो गया। अब इसमें हम 1/2 कप के करीब तकरीबन 6 to 8 टेबल स्पून पानी डालेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1/2 कप से भी कम, और इसको हल्की आँच पे 3-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे।
ताकि ये ग्रेवी बन जाए, कवर करके, ठीक है, 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे। टे का 4 मिनट हल्की बाहे तीन की छड़ी वी, बिल्कुल ईजी आ रेसिपी, का मुश्किल ना है, तुझे सामू ठाऊँ पाया, ठीक है। इन का दही ठाईदी, दाग एक भगार ठाईदी दही के अंदर, उनका लेयर्स दिंदी, लेयर्स दही अस इनके डिश आउट कंदी, ठीक है। ये हो गया, अब ये पकेगा 3 से 4 मिनट, और उसके बाद हमने यहाँ पे लेनी है दही। दही हमने कितनी लेनी है, 1.5 पाव, 1.5 पाव दही लेके इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे, ठीक है। 1.5 पाव दही कहीं इनके चंगी तरह फेटे वर्जो, 1.5 पाव दही है, इसको आपने अच्छी तरह फेंट लेना, बहुत ज़्यादा खट्टी दही ना हो, रखी हुई ना हो, अच्छी हो दही, ठीक है। मलाई के बगैर कोशिश करें कि यूज़ करें दही को। हैदराबाद का कॉल बटूँ था, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बेटा कुछ है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तमाम दाव चाहलाइन, घर में सब खैरियत था? हाँ हाँ, सब खुश आए हो बच्चा? जी जी, सब तुम दुआओं का ठीक आयो, अल्लाह करे खुश हो जो ताने घर में सब खुश है बच्चा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह जो शुक्र है। हाँ, रमजान के इलाही सुपात रो रहा मां, सब खुश हुआ। हाँ, ईद मुबारक हो जाए, इलाही खैर मुबारक, तहां के भी मुबारक हो जाए। ईद की गुजरी? ईद बस गया, इधर की ईद है मेरे ही है, सही गाल है। ईद में छा टायो तां? ईद में असा बिरयानी ठाई हुई। अच्छा, नोट कर मथे हफ्ते ख्याल रखो खोड़ सारो, ठीक है। ये मसाला बन रहा है, दही को मैंने बीट किया, दही में ना हम नमक डालेंगे, दही में हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, दही में हम एक भगार बना के वो डालेंगे, वो मिक्स करेंगे, फिर हम इसके लेयर बनाएंगे, ठीक है। इसका मसाला बन रहा है, ये मसालो ठहे पे, दिसो पानी विधो, मैं इनमें 6 खाने का चम्मच 8 खाने का चम्मच पानी विधो, अही मसालो पची वो बिल्कुल घाटो थी वो, थोड़ो इनके पचाईंदी, बस इनमें बबल्स ठाण शुरू थी वन, पानी जो खुश्क थी वने, ठीक है। ये देखो ग्रेवी की तरह बन गया, पानी इसका ड्राई करना है आपने, थोड़ा इसका ऑयल ऊपर आ जाए, शाइनिंग आने लगेगी, चूल्हा बंद कर देंगे, साइड से हटाते जाएं, लगे ना जले ना, ठीक है। मसाला इस तरह आपने बनाते रहना, ठीक है। बस ये घाटो थी दो, पानी खुश्क थी वो, यानी कि ऐसा चूल्हा बंद कर छंदासी, अब इसको मसाले को भी हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। ये हम आखिर में जब लेयर्स बनाएंगे तब इसको डालेंगे, अच्छी तरह अभी 2 मिनट और पकाते हैं ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए, ये ऑयल स्पष्ट नज़र आना चाहिए, ये ना हो कि हम डालें तो पानी अलग नज़र आ रहा है, ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखें इसका ऑयल अलग सेपरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो मसालों असंजो फ्राई थी वो चूल्हों में बंद कर चलो, चूल्हा मैंने बंद कर दिया, अब इसको रखते हैं साइड में, ब्रेक में कितना टाइम है असंजे? हेलो, ठीक है। अब हम भगार बनाते हैं इसका, ठीक है। इन जो दाग ठाऊँ था, मसालो ठही वो, वांगण फ्राई थी वह, हाँ इतने खणंदी शारजा कुकिंग ऑयल 6 खाने का चम्मच 6 टेबल स्पून अब बनाएंगे लेंगे शारजा कुकिंग ऑयल, ठीक है। ये 1/4 कप से थोड़ा कम बनेगा, 6 टेबल स्पून शारजा कुकिंग ऑयल लिया, ठीक है। अब इसमें हमने भगार बनाना है, यहाँ पे हमने लेनी है साबित लाल मिर्च 6 से 8 अदद, जिसमें से एक साबित लाल मिर्च तोड़ देंगे, यानी इसको चॉप कर दें, इसके बीज निकल आएँ और ये तोड़ के हमने इसमें डालनी है। 1 साबित गाढ़ा मिर्च यानी लौंगी मिर्च तोड़े वे जो, ताकि जब दाग ठंडो तो उनमें सुठी सी खुशबू अचे, ठीक है। साबित लाल मिर्च डाल दी भगार के लिए, अब हम डालेंगे कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्तो ना है तंजे बगैर भी ठही वो, लेकिन कड़ी पत्ते का मैं चाहस कि जायको डाडो सुठो अचे तो, ठीक है। कड़ी पत्ता नहीं है तो उसके बगैर भी बन जाएगा, लेकिन कड़ी पत्ता इसलिए यूज़ करता हूँ कि इसका फ्लेवर भगार में बहुत अच्छा आता है, चाहे दाल हो चाहे कोई सब्ज़ी हो, कड़ी बनती है उसमें स्पेशल डलता है, जो हम दही की कड़ी बनाते हैं
ठीक है। अब ये भगार बन रहा है, साबित लाल मिर्च और कड़ी पत्ता ये अच्छा सा फ्राई होने दें। साबित लाल मिर्च को हमने जलाना है, उसका जब ये जलेगी तो उसका फ्लेवर ऑयल में निकल के आएगा, ठीक है, ऑयल में टेस्ट आएगा। साबित लाल मिर्च को डार्क होने दें, ब्राउन होने दें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे मेथी दाना 1/4 टीस्पून, चौथा चाय जो चम्मच मेथी दाना, लहसुन चॉप किया हुआ 1 चाय का चम्मच, थूम 1 चाय के चम्मच जितने 3 गणियों घनी वट जो कुट्टे बेजी छजो, ठीक है, लहसुन चॉप किया हुआ 1 चाय के चम्मच, जितने 3 जवे ले लिए वो चॉप कर लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा जी। ओके, कॉल वट होता इस्लामाबाद से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा अच्छा, आप कराची भी आए हुए थे? जी जी बिल्कुल, मैं कराची भी आया, कराची भी मेरे घर कराची में भी, ओके, कराची आने जाने लगा रहता। चलें नेक्स्ट टाइम, ये प्रोग्राम देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम आए तो फिर मेरे शो में जरूर आएगा मिलने, ठीक है, इंशाल्लाह। आप आइएगा मिलिएगा मुझसे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल खुश होगी खाने का, तो मैं बनाता हूँ। चले बिल्कुल बिल्कुल बनाइएगा, और जब भी कराची आना हो तो मिलने आइएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, थैंक यू, जजाकला। अच्छा देखें, दही में मैंने ये जो भगार बनाया था ये मिक्स कर देना अच्छी तरह, हे ऐसो दही में जो दाग ठाओ ना हे इनके अंदर मिक्स कर छो चंगी तरह, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त हो, ये दाग ठही बने। अब ये दही वाला मिक्सचर भी हो गया तैयार, मसाला भी तैयार होगा, बैंगन भी तैयार हो गया। ब्रेक वटूँ था, ब्रेक का पहुंची ही पूरी रेसिपी तक रिपीट कराए भी उनका पुंजी लेयर ठाईंदी कि मसालो वांगण और दही की लेयर कें ठहंदी इनके पोता चपाती सा मानी सा नान सा पराठे सा चावरन सा अच्छे खाइंदो डाढ़ो ज़बरदस्त लगंदो। बंद गोभी की रेसिपी रिपीट करंदो, ठीक है, एक शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं। ये जो मैंने भगार बनाया है ये सब चीज़ों की रेसिपीज रिपीट कराऊंगा पूरी तीनों दोनों रेसिपीज, और उसके बाद हम इसको किस तरह असेंबल करेंगे वो मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगा। लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़िम, ब्रेक ते वञण खां पहिरीं तव्हांजे साम्हूं जेको रेसिपी ठही पए दही वारा वांगण, ठीक है, दही वाले बैंगन जो बना रहे थे उसको मैं असेंबल कर रहा हूँ, मतलब कि उसको अब हम डिश आउट करेंगे और किस तरह करना है। खुला पैन लें, पैन वाला बर्तन लें, ठीक है, खुला हो, उसमें आपने बैंगन इस तरह लेयर डाल देनी है, ठीक है, मिक्स भी कर सकते हैं लेकिन इस तरह निकालेंगे डालेंगे और गेस्ट आते हैं साथ में, आपने अच्छी सी इस तरह की रेसिपीज़ बना के रखनी है तो वो अच्छी भी लगेंगी, और अगर आपने वैसे ही मिक्स कर देना है तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह क्या होता है कि अच्छा बहुत लगता है जब आप उसको निकालेंगे तो वो लेयर्स आ रही होंगी मसाले की, बैंगन की, दही की, ठीक है। इन तरीके से तव वे प्याले में करीबर जो चौड़ो प्यालो हो तो उनके अंदर कंदो तो उनका सुठी ताजी असेंबलिंग थी, मतलब सुठो लगो, अगर चाहो तो मिक्स भी कर सो था लेकिन इनका सुठो लगो जैसे तक डिश में कटो, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, मसाला डालना है बैंगनों के ऊपर, ठीक है, फैला के थोड़ा, पूरा सारा एक साथ नहीं डालना, 2 से 3 लेयर बनेंगी, ठीक है, मसाला डाल दिया। अब हमने क्या करना है, ये जो दही हमारे पास है भगार वाली, ये ऊपर से भगार वाली दही से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है, ये फैला के डालनी है,
इन तरीके से दही विझी छो ठीक इनके बाद वरी लेयर वांगण की रखासी एक दफ़ा फिर आपने जो बैंगन फ्राई किए हैं ये ऊपर से रखते जाएं ठीक है। इस तरह लेयर्स में बड़े ज़बरदस्त ये लगेगा आपको। पहले बैंगन बिछा दें फिर मसाला डालें फिर बैंगन डालें, मसाला डालने में दही डाली उसके बाद फिर आपने बैंगन डाल दिए ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हमने दूसरी लेयर फिर मसाले की डालनी है। मसाले को ऑयल के साथ मिक्स करके डालें, थोड़ा थोड़ा ऑयल सेपरेट हो रहा होगा इस तरह। पूरा दूसरी लेयर आ गई मसाले की, अच्छी तरह पूरा मसाला उतार दें ठीक है, ये फैला दिया। इसके बाद आपने फिर जो भगार वाली दही है हाफ जो बचा के रखी थी ये फिर इसके ऊपर फैला दें ठीक है। जो दाग वाली दही हुई ये मथा का विझी छो पूरी डाल दी। डेढ़ पाव दही काफ़ी है, ये तकरीबन 4 से 5 अफराद आराम से, 6 अफराद भी खा सकते हैं अगर सिर्फ इससे रोटी खा रहे हैं, और अगर साथ कोई और चीज़ है तो 6 से 8 अफराद के लिए भी आप ये रेसिपी इस क्वांटिटी में बना सकते हैं ठीक है। ये एक लेयर हो गई, फिर दूसरी लेयर हो गई ऊपर से ठीक है। दो लेयर बैंगन की हो गई, दो लेयर मसाले की हो गई। अब 2-3 बैंगन ऊपर से गार्निशिंग में रख देते हैं फ्राई किए ठीक है। ये आपने टॉपिंग पे रख दिया। अब थोड़ा सा हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे, जब आप इसको निकालेंगे तो ये बड़ा ज़बरदस्त लगेगा ठीक है, लेयर्स में निकलेगा। थोड़ा सा फाइन चॉप किया हुआ हरा धनिया ऊपर से डालेंगे, और इसकी पूरी रेसिपी अब रिपीट करा रहा हूँ, कोई मिस हो रही हो आप लोग से तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, सावा धाणा थोड़ा सा मथा खा विझंदासीं। ये थोड़ी देर में ऑयल पानी मथे अचे पे शेड्स ठन पे ढो सुठो इन लुक इंदो रखंदो 5-10 मिनट में अना जो लुक सुठो थी वेंदो ठीक है। ये हो गया, अब आप इसको देखें, और मैं इस रेसिपी को रिपीट करा रहा हूँ जब तक हमारी गोभी तैयार हो रही है ठीक है। इसके लिए हमने क्या लिया था, सबसे पहले बैंगन लिए 1.5 पाव जितने, 4 से 5 बैंगन ले लें, गोल्ड स्लाइसिस में काट लें। उसके बाद आपने फ़ौरन उसको ऑयल में फ्राई कर लेना है, 1/2 कप जितना ऑयल ले लें ठीक है। उसमें आपने दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना है बैंगनों को। फिर उसी ऑयल में आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज ऑमलेट की तरह चॉप करके डालना है, 1 अदद हरा मिर्च डाल देना है, उसको हल्का सा नरम करना है। प्याज जब लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा पानी का छींटा दें, 1 आधा चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ठीक है, फिर 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चाय के चम्मच से थोड़ा कम नमक हसबे ज़रूरत, और 1/2 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल के आपने मसाले को भूनना है, अच्छी तरह भुनाई हो जाए। फिर उसमें थोड़ा सा 6 खाने का चम्मच आपने पानी डाल देना है, या 1/4 क्वार्टर कप या 1/2 कप से थोड़ा कम पानी डाल के इसको कवर कर दें मिक्स करके 3-4 मिनट, और जब गाढ़ापन होने लगेगा शोरवा सा बनेगा तो फिर आपने इसका भुनाई करके चूल्हा बंद कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, 1.5 पाव दही को बीट कर लेना है, एक भगार बनाना है, 6 से 8 खाने के चम्मच ऑयल गरम किया, उसमें साबित लाल मिर्च 6 अदद 8 अदद डाल देनी है, लेकिन उसमें से एक तोड़ के भी डालिएगा ताकि भगार अच्छा बने। लहसुन के 3 जावे चॉप करके डाल दें, कड़ी पत्ते 10 से 12-15 दाने डाल दें, मेथी दाना 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम डाल दें, और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा। भगार बना के दही में डाला और अच्छी तरह मिक्स कर दिया। फिर प्लेटर में आपने पहले बैंगन बिछाए, मसाला बिछाया, दही की लेयर बिछाई, फिर बैंगन बिछाया, फिर मसाला बिछाया, आखिर में फिर दही की लेयर बिछा के ऊपर से हरा धनिया डाल दिया। इसको आप रोटी के साथ, चपाती के साथ, या वाइट राइस के साथ खाएं, ये बड़े ज़बरदस्त दही वाले बैंगन तैयार हो गए, गर्मियों की स्पेशल रेसिपी है ठीक है। इन्हें ये रेसिपी रिपीट कराएं पर वांगण खाया 3 खां 4 अदद, उनके स्लाइस में कटिंग करें, फ्राई कर दो, फ्राई का 1/2 कप ऑयल खणंदो, उनमें फ्राई करे कढ़ी वठंदो, पोइ साॻे ऑयल में 1 ॻंढ बसर जी बारीक कटिंग करे विझंदो ऑमलेट वांगुरु, हुन सां गॾु 1 साओ मिर्च विझंदो, दाग ठहंदो हल्को गुलाबी थी वञे, पाणी थोरो विझी छॾिजो 4 खां 5 खाणी जो चमचो, पोइ मसालो विझो न त मसालो सड़ी वेंदो, पीठल ॻाढ़ा मिर्च, कुटियल ॻाढ़ा मिर्च, लूणु, हैड, 4 शयूं 1/2 चांहि जो चमचो, पीठल धाणा 1 चांहि जो चमचो, ऐं गरम मसालो पाउडर 1/2 चांहि जो चमचो। मसाले के भुनंदो, पोइ 1/2 कप खां थोरो घटि पाणी विझी कवर कजो हल्की बाहि ते 5 मिंट ताईं, मसालो घाटो थी वेंदो, तयारु थी वेंदो, हुनखे लाहे छॾिजो ठीकु आहे। पोइ दही जो मसालो ठाहियो, 1.5 पाव दही खे फेटे छॾिजो चङी तरह, हुनजो पोइ दाग ठाहींदासीं, 6 खाणी जा चमचा ऑयल गरम कयो, 6 अदद लौंगी मिर्च विझंदो, हुन मां 1 अदद लौंगी मिर्च तोड़े विझिजो ताकी हुनजा दाणा हुनजे अंदरि ऑयल में सड़नि। हुन सां गॾु तव्हां
थूम जी टे घड़ियों बारीक कटिंग करे विझंदो। कढ़ी पत्ता आहिन ता विझ जो ना आहिन त उनके बगैर भी ठही वेंदो। ठीक है, अच्छा कढ़ी पत्ता नहीं है तो उसके बगैर भी आप बना सकते हैं। कढ़ी पत्ता विधा 6 खां 8 15 जितना 10 12 जितना हो जाए अच्छो। 0.1 चाय जो चमचो मेथी दाणा थोड़ा सा विझी दाग ठाओ, दही के अंदर विझो और चंगी तरह मिक्स कर छोड़ो। प्लेटर में पहले वांगण विछाए जो अद, वो मसालो अद विछाए जो, वरी अद दही विझो, वरी वांगण जो बचल हों सजा विछाए जो, वरी अद मसालो जो बचल हों विछाए जो, मथा वरी दही विझी सावा धाणा विझी इनके डिश आउट कर छोड़ो। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करते हैं गोभी को। गोभी हमारी देखते हैं कहाँ पहुँची। देखिए इसमें पानी है, इसकी भुनाई करते हैं ताकि इसका जो बकिया पानी है वो ड्राई हो जाए। हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ गोभी, और ये बड़ी ज़बरदस्त गोभी बनेगी। इसमें बैंगन, इसमें बेसन डाला हुआ है तो उससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। देखिए बिल्कुल तैयार हो गई है, इसको भून लेंगे 3-4 मिनट तक। ठीक है, गोभी का क्या था, आधा किलो या 1.5 पाव जितना गोभी का फूल ले लेना, बारीक कटिंग कर देनी है। इसमें 1 अदद प्याज डाल के बारीक कटिंग करके डाल देना है, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक कटिंग करके डाल देनी है, 4 से 6 खाने के चम्मच आपने हरा धनिया बारीक कटिंग करके डाल देना है। उसके बाद 2.5 खाने के चम्मच बेसन डालना है, 2.5 टेबल स्पून बेसन डाला, 1 चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाला और नमक 1/2 चाय का चम्मच डाला और मसाला सारा इसके अंदर मिक्स कर दिया। ठीक है, साइड में रख दिया। फिर भगार बनाया। भगार बनाने के लिए आपने क्या करना है, 1/2 कप से थोड़ा कम कुकिंग ऑयल लेना है 8 खाने के चम्मच। उसमें आपने डाल देना है कड़ी पत्ता, अगर कड़ी पत्ता नहीं तो उसके बगैर भी बन जाएगा। हमने 10 से 15 दाने कड़ी पत्ते के डाले। साफ इसमें हरी मिर्चें 2 से 3 अदद डाल दें कटिंग करके। ठीक है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच डाल दें, उसके बाद मेथी दाना डाल दें थोड़ा सा 1/2 टीस्पून, उसका भगार बनाया और लहसुन चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच डाला। भगार बना के जो गोभी मसाले के साथ बनी हुई थी रखी हुई वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। 2 मिनट भूनने के बाद कवर कर देना, हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट 25 मिनट छोड़ देंगे तो आपकी गोभी हो जाएगी तैयार। फिर इसको भून के निकाल देंगे। अब इसमें हरा धनिया आखिर में डालेंगे। ठीक है, गोभी खाई 1/2 किलो या 1.5 पाव जितना फूल गोभी, जो बंद गोभी है। ठीक है, बंद गोभी जो पत्ता गोभी जिनके चाहिए वो खाई, उनके बारीक कटिंग करे प्याले में विझंदो। 1 गंढ बसर जी बारीक कटिंग करे विझो, 2 सावा मिर्च बारीक कटिंग करे विझो, 2 सावा धाणा 4 खाने जा चमचा बारीक कटिंग करे विझंदो, हुन सां गॾु बेसण विझंदो 2.5 खाने जा चमचा, पीठल ॻाढ़ा मिर्च कुटियल ॻाढ़ा मिर्च हेड ऐं पीठल धाणा 1-1 चांहि जो चमचो, लूणु 1/2 चांहि जो चमचो, सभु शयूं मिक्स करे साइड में रखी छॾिजो। बेसण ज़रूरु विझो 2.5 खाने जा चमचा। दाग ठाहींदो 8 खाने जा चमचा, 1/2 कप जेतिरो ऑयल गरम कयो, हुनमें कढ़ी पत्ता आहिन त विझिजो, न त हुनजे बग़ैर भी विझी सघो था। मूं कढ़ी पत्ता विधा 10 खां 15 अदद, हुनमें लौंगी मिर्च विझिजो या पोइ सावा मिर्च, असां में 2 सावा मिर्च विझा दाग ठाहिण लाइ। ठीकु आहे, हुन सां गॾु थूम जी घणियूं 3 अदद कुटे विझी छॾिजो, अछो 0.1 चांहि जो चमचो, मेथी दाणा दाग ठाहियो, हुन खां पोइ गोभी मसाले सां गॾु सॼी जेका मिक्स करे रखी हुई उहो विझी छॾी। गोभी विझी 2 मिंट भुञंदो, हुन खां पोइ दम ते रखी छॾिजो 15 खां 20 मिंट, हल्की बाहि ते ॻरी वेंदी, पोइ हुनखे भुञंदो। पाणी न विझो, गोभी जो पाणी पंहिंजो ई आहे। ठीकु आहे, ॻरी वेंदी, हिनखे भुञो आहे, भुञण खां पोइ हिनमें सावा धाणा ऐं 2 अदद सावा मिर्च विझंदासीं, हिनखे डिश आउट करे वठंदासीं। ठीकु आहे, हरी मिर्चें और हरा धनिया 2 अदद हरी मिर्चें मैंने चॉप कर दी हैं और हरा धनिया ये ऊपर से इस पर डालेंगे। इसको करते हैं डिश आउट। गोभी भी हमारी हो गई तैयार, ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और जो बेसन डाला उससे आपको एक डिफरेंट सा फ्लेवर मिलेगा। ये भी आप वाइट राइस के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, जैसे आपको अच्छी लगे। ठीक है, गर्मियों के हिसाब से। और हाँ सॉरी, केरी डाली थी मैं, भूल गया, दही या वो नहीं डाला इसमें, हमने केरी डाली है 1 कप जितनी केरी, 1 बड़ी केरी ली थी और केरी को हमने कद्दूकश करके इसके अंदर ऐड किया है। सॉरी मैं बताना भूल गया था, रिपीट में केरी डालनी है। ठीक है, केरी से ही इसमें फ्लेवर आएगा। अंबड़ी 1 वॾी खणंदो, 1 कप जितनी कद्दूकश थियल अंबड़ी भी विधी हुई के इनमें गोभी में। ठीक है, केरी से ही इसका ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और केरी का सीज़न है। इस तरह केरी की काफ़ी सारी रेसिपीज़ में जिसमें केरी डालती है वो रेसिपीज़ भी बनाएंगे और केरी के मुरब्बा और इस तरह की चीज़ें बहुत सारी अभी बाकी हैं तो भी कंटिन्यू रखेंगे। आम भी आ रहा है तो इंशाल्लाह मैंगो वीक भी करेंगे, आम की बहुत सारी रेसिपीज़ भी आपको बनाना सिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कम्प्लीट, ये कम्प्लीट थी विया। ऐं हिन में असां विझंदासीं सावा धाणा ऐं 2 अदद सावा मिर्च। ठीक है, थोड़ा सा 4 टेबल स्पून जितना हरा धनिया आपने ले लिया और उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है हरी मिर्चें 2 अदद, बस ये चॉप करके आप इसको फौरन डिश आउट कर दें। दम पे नहीं लगानी, हरी मिर्च ऑलरेडी हम डाल चुके हैं इसके अंदर। ठीक है, बस अब इसको रखते हैं टेबल पे,
कल रिपीट में देखिएगा, रिपीट टाइम फिलहाल चेंज हुआ हुआ है किसी ब्रांड की वजह से, इंशाल्लाह वो चेंज होगा तो दोबारा 12 बजे आ जाएंगे, क्योंकि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप अगेन 12 बजे करवाएं रिपीट में, ठीक है। ये हमारे हो गए दही वाले बैंगन, और इसके साथ हमारी हो गई है बंद गोभी फ्राई, ठीक है, जो हमने बनाई थी केरी के साथ। ये दोनों रेसिपीज हो गई कंप्लीट, ठीक है, तो ये रेसिपीज कंप्लीट थी। कल 12 बजे नहीं चलेगा रिपीट, दोबारा बता रहा हूँ कि 9 बजे रिपीट टाइम हो गया मॉर्निंग में, सुबह 9 बजे रिपीट चलेगा। कुकिंग विद शेफ ऐसा मेरा पेज है, वहाँ रेसिपी अपलोड हो जाएगी। यूट्यूब पे सर्च करें, हमारे वीडियो चैनल बना हुआ है सिंध टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और वहाँ पे सारी रेसिपीज़ विद वीडियो अपलोड है, और जो मेरा पेज है वहाँ विद पिक्चर सारी रेसिपीज़ अपलोड है। आप फोल्डर में जाएं, क्लिक करेंगे तो आपको सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल भी मज़ेदार रेसिपी इसी तरह की गर्मियों के हिसाब से बनाएंगे इंशाल्लाह। कल आपसे मुलाकात होगी, लाइव होंगे इंशाल्लाह सुबह 12 बजे, ना ही रिपीट 9 बजे, मुझे बार बार बात में 12 अच्छे पे 9 बजे रिपीट हल दो। कुकिंग विद शेफ से मुझे पेज आ होते रेसिपी अपलोड थी वेंदी, वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध टीवी HD कुकिंग शो, यूट्यूब ते सब्सक्राइब कंदो, पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो। इंशाल्लाह सुबह मुलाकात थींदी नई रेसिपी हिन तरीक़े सां गर्मी जे हिसाब सां। तेसि ताईं अलाफ। Subscribe to our channel Sindh TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates.